Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do EVS chapter Festivals of India, yani hamare India ke tohar. So friends, we are going to study about different festivals of India in this chapter. So let's start enjoying this beautiful chapter. Hum sabhi festivals ko bahut enjoy karte hain, to is chapter ko bhi hum bahut enjoy karne wale hain. Sabse pehle hum karte hain ek choti si exercise. Match the pair. So here we are given with these three pictures and we are also given with the names of these festivals, right? And we have to match them. So look at this first picture. Here this picture features a Christmas tree, a Santa Claus and gift. So this picture is of which festival? Yes, it is of Christmas. Then in second picture we can see lot of colors. So this picture is of Holi. And here in this third picture, we can see firecrackers. So this festival is of Diwali. Now let's read this chapter. We celebrate many festivals in India. We enjoy festivals with our family and loved ones. तो हम इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और इन फेस्टिवल्स को हम एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली और अपने लव्ड वंस के साथ. बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, जैसे ही कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो हमारे घरों में एक अलग सी चहल पहल, एक अलग सी खुशी होती है सारी जगह. वी गेट रियली एक्साइटेड व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स. वी ईट स्पेशल फूड्स एंड शेयर गिफ्ट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. हम बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं फेस्टिवल्स पर और गिफ्ट्स भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. वी सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स एज वेल एज नेशनल फेस्टिवल्स इन इंडिया. तो इंडिया में हम रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी कुछ धार्मिक त्योहार और कुछ नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल्स. सम ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट आर, let's start with the religious festivals. First one is Diwali. Yes, Diwali is a major festival of Hindus. तो जो दिवाली का फेस्टिवल है वो हिंदू रिलीजन का मेजर फेस्टिवल है, यानी जो लोग हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं वो हिंदूज होते हैं, तो इसलिए हिंदूज का ये सबसे बड़ा त्योहार होता है दिवाली. On this day, homes are decorated with diyas and light. तो हम दिवाली पर क्या क्या करते हैं? हम अपने होम्स को, घरों को डेकोरेट करते हैं दिया जलाकर और लाइट लगाकर. दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट. और क्योंकि सारी जगह लाइट ही लाइट होती है, रोशनी ही रोशनी होती है, तो दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है. पीपल मेक डिलीशियस स्वीट्स एंड अदर डिशेस. जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि स्पेशल फूड्स बनते हैं हर फेस्टिवल पर, तो दिवाली पर भी डिलीशियस स्वीट्स यानी मिठाइयां बनती हैं और अलग अलग तरह की डिशेस भी बनती हैं. और क्या क्या करते हैं हम लोग दिवाली पर? दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स. तो हिंदू जो लोग होते हैं वो दिवाली पर नए नए कपड़े पहनते हैं और आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं. एक फैमिली दूसरी फैमिली को गिफ्ट देती है. एंड लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी आर वर्शिप्ड. यस, दिवाली के दिन पर लॉर्ड गणेशा यानी भगवान गणेश की और लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा दिवाली के बारे में. दिवाली हिंदूज का मेजर फेस्टिवल है. अब नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल जो हम पढ़ेंगे वो है ईद. ईद इज अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. तो ईद मुस्लिम्स का फेस्टिवल होता है. रिलीजियस फेस्टिवल्स पढ़ रहे हैं ना हम, तो अलग अलग रिलीजन के फेस्टिवल्स पढ़ेंगे हम. पहले हमने हिंदूज का फेस्टिवल पढ़ा दिवाली, अब हम बात कर रहे हैं मुस्लिम्स के मेन फेस्टिवल की जो है ईद. इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ रमदान. यस, ये सेलिब्रेट होता है रमदान के मंथ में, जिसको रमजान भी कहा जाता है. पीपल ड्रेस अप इन न्यू एंड ब्यूटिफुल क्लोथ्स. लोग नए नए और सुंदर सुंदर कपड़ों पर, कपड़ों में ड्रेसअप होते हैं, कपड़े पहनते हैं. दे गो टू मॉस्क टू प्रे. वो कहाँ जाते हैं प्रे करने के लिए? यहां पर मॉस्क में.
तो मॉस्क में जाते हैं मुस्लिम्स ईद के दिन पर प्रे करने के लिए। स्पेशल डिश कॉल्ड सेवैया इज प्रिपेयर्ड। यस, तो उनके घरों में जहां पर ये ईद फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वो इस दिन एक बहुत स्पेशल डिश बनाते हैं जिसको सेवैया कहा जाता है। एंड पीपल विश ईच अदर ईद मुबारक, और लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कह के विश करते हैं। देखिए वो ऐसे गले मिलते हैं आपस में और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल, इट इज गुरु पूरब। गुरु पूरब इज द फेस्टिवल ऑफ सिक्स। तो ये जो गुरु पूरब फेस्टिवल होता है ये सिख कम्युनिटी का फेस्टिवल है। जो लोग सिखिज्म को फॉलो करते हैं वो बनाते हैं गुरु पूरब। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु, गुरु नानक। तो ये उस दिन मनाया जाता है जिस दिन सिखों के पहले गुरु जो कि गुरु नानक जी हैं उनका जन्मदिन होता है, उनका बर्थडे होता है। और इस दिन ये लोग क्या क्या करते हैं, पीपल ज्वाइन टूगेदर टू सिंग एंड प्रे एट द गुरुद्वारास। लोग मिलकर गीत गाते हैं और प्रे करते हैं, कीर्तन करते हैं कहां पर, गुरुद्वारास में। एंड दे ईट प्रसाद एट द लंगर। तो गुरुद्वारास में फ्रेंड्स लंगर बांटा जाता है, यानी कि बहुत सारा फूड बनाते हैं वो और जो चाहे वो वहां पर खा सकता है, स्पेशली गुरुपूरब के दिन। तो इसको वो कहते हैं प्रसाद, तो वो इस दिन लंगर का प्रसाद खाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फेस्टिवल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है पोंगल। पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, पीपल बाय न्यू क्लोथ्स एंड क्लीन देयर हाउस। ओके फ्रेंड्स, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं सबसे पहले तो ये बात समझी। देखिए हर रीजन का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है वो टाइम जब हम अपने खेतों की फसलों को काटते हैं। तो पोंगल भी एक ऐसा ही हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो मनाया जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और अपने घरों को साफ करते हैं। ब्यूटिफुल रंगोलीज आर ऑल्सो मेड, ब्यूटिफुल रंगोलीज भी बनाई जाती है, सुंदर सुंदर रंगोली बनाई जाती है। जैसे कि हम अपने घरों में दिवाली पर बनाते हैं, पोंगल सेलिब्रेट करने वाले लोग पोंगल के दिन पर ब्यूटिफुल रंगोलीज बनाते हैं। एंड अ स्पेशल डिश मेड अप ऑफ राइस एंड जेगरी इज मेड विच इज कॉल्ड एज पोंगल। और इस दिन एक स्पेशल एक खास डिश बनती है, किस चीज की, चावल की और गुड़ की, जैगरी यानी गुड़। तो चावल और गुड़ की एक खास डिश बनती है जिसका नाम होता है पोंगल। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं जैसे कि बैसाखी, ओनम, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। ये उन रीजन्स के जहां पे ये सेलिब्रेट होते हैं वहां की हार्वेस्टिंग के दौरान मनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट फेस्टिवल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है क्रिसमस। सो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस ऑन 25th December। तो फ्रेंड्स जो क्रिसमस का फेस्टिवल है वो क्रिश्चियन लोग जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं उन्हें क्रिश्चियंस कहते हैं। तो क्रिश्चियंस लोग सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस कौन सी डेट पर, 25th December पर। ये एक फिक्स डेट पर सेलिब्रेट होता है, 25th December पर। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ये सेलिब्रेट होता है जो उनके लॉर्ड जो उनके गॉड हैं जीसस क्राइस्ट उनके बर्थडे के दिन। पीपल गो टू द चर्च टू प्रे, और क्रिश्चियन लोग चर्चेस में जाते हैं प्रे करने के लिए। हाउसेस चर्चेस एंड क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड। सो क्रिश्चियंस दे डेकोरेट देयर हाउसेस देयर चर्चेस एंड क्रिसमस ट्रीज ऑल्सो। जैसे कि आप इधर इस पिक्चर में देख सकते हैं ऐसे ब्यूटिफुली वो क्रिसमस ट्रीज को डेकोरेट करते हैं अपने हाउसेस को भी और चर्चेस को भी। कैंडल्स लगाते हैं चर्चेस में, प्रे करते हैं, फिर लाइट से डेकोरेट करते हैं चर्चेस, घरों को भी लाइटनिंग से डेकोरेट करा जाता है और भी बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिसमस डेकोरेशंस होती हैं। पीपल दे एंजॉय ईटिंग केक्स, यस दे बेक वेरी डिलीशियस केक्स ऑन क्रिसमस एंड दे एंजॉय ईटिंग सच केक्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट फेस्टिवल। ओनम इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कैरल। तो फ्रेंड्स अभी हमने पोंगल पढ़ा था जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल था। ऑन द सेम लाइन ओनम इज ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये फेस्टिवल है केरला का। इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय
Houses are decorated with floral designs called पोकलम्स। तो ओनम पर लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं पोकलम्स बनाकर। देखिए जैसे कि हम देखते हैं रंगोली डिजाइंस होते हैं जो रंगोली कलर्स से बनाए जाते हैं, ओनम पर लोग फ्लावर्स से रंगोली बनाते हैं, वो डिजाइंस फ्लोरल डिजाइंस बनाते हैं जिनको पोकलम्स कहा जाता है। द स्वीट डिश प्रिपेयर्ड ऑन ओनम इज कॉल्ड पायसम, और वो बहुत मीठी सी एक डिश बनाते हैं ओनम पर जिसे पायसम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बताए रिलीजियस फेस्टिवल्स जो इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट आवर कंट्री। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अभी तक हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स पढ़े हैं वो रिलीजन से रिलेटेड होते थे कि भाई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग अपना वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। बट ये जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं ये पूरी कंट्री के होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, और ये सेलिब्रेट होते हैं, हम अपनी कंट्री के लिए इनको सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, लेट्स सी। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स, दे आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। तो ये तीन नेशनल फेस्टिवल्स हैं हमारे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती, और ये पूरी हमारी कंट्री पर बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। लुक हियर फ्रेंड्स, दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th ऑफ जनवरी। यहां पर आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ अगस्त। और इधर देखिए, ये हैं महात्मा गांधी, गांधी जयंती सेलिब्रेट होती है 2nd ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, तो ये थे नेशनल फेस्टिवल। सम स्पेशल डेज, वी सेलिब्रेट सम स्पेशल डेज विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। फॉर एग्जाम्पल बर्थडे, वी कट केक एंड एंजॉय विद फ्रेंड्स ऑन आवर बर्थडे। तो नेशनल फेस्टिवल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स के अलावा कुछ स्पेशल डेज होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि हमारा बर्थडे, और अपना बर्थडे हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खूब मजे से मनाते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर फेस्टिवल्स। आई एम श्योर आपको इस चैप्टर को पढ़कर बहुत मजा आया होगा। मेरे को तो इसको पढ़ाने में बहुत मजा आया क्योंकि फेस्टिवल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।